प्रदेश की नई सरकार ने कर्मचारी संगठनों को बड़ी उम्मीदें हैं। संगठनों का मानना है कि उनकी मांगों पर जल्द सरकार एक्शन लेगी। जन टीवी से बात करते हुए राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह का कहना है कि विभाग में लंबे अरसे से भर्तियां नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकारों को अनेक बार ज्ञापन भी दिए गए लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब सूबे के नई सरकार आ गई है और सरकार से मांग है कि वो विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। और हम लोग सीएम साहब से मिलने की कर रहे हैं तैयारी। सीएम साहब से जिस दिन भी टाइम मिल जाएगा हमारे को, तो हमारी मांग एक ही है, यहाँ पे 32 साल से हमारे डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं खुली है। अब जयपुर शहर इतना बढ़िया, पूरे राजस्थान में इतना बढ़िया, हमारे एक एक आदमी की स्थिति बहुत ख़राब चलती है। रिटायरमेंट आए दिन रिटायरमेंट हो रहे हैं, कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। 23 में हमारा 50% कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुका है PHED के अंदर, और आने वाले समय के लिए हमारे डिपार्टमेंट की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी जब तक कर्मचारी नहीं रहेगा। कितनी भर्ती होनी चाहिए आप? कम से कम हमारे डिपार्टमेंट में 40,000 कम से कम भर्ती होना चाहिए नीचे टेक्निकल के अंदर, तो हम राजस्थान को कवर कर पाएंगे। हम लोग पहले हमारी वार्ता हुई थी अशोक गहलोत जी सरकार से, उनने हमारी भर्ती के लिए आश्वासन दिया था, हमने भर्ती खोली थी। फिर BJP सरकार आ गई, फिर वो पोस्टपोन्ड हो गई भर्ती। फिर अभी हमने सरकार CM साहब से अशोक गहलोत जी से फिर मुलाकात की, फिर भर्ती को बोला हम करते हैं भर्ती, वो भर्ती अभी भी नहीं हो पाई।